आगे अगर हम देखें कि आभावी मांग को ठीक करने की उपाय क्या है प्रभाव तो हमने देखे कि किस प्रकार से वो चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो रोजगार का क्षेत्र हो या कीमत स्तर हो सभी को प्रभावित कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक जैसे हमने अत्यधिक मांग को कंट्रोल किया था संतुलित किया था वैसे ही आभावी मांग को भी संतुलित किया जा सकता है तो यहाँ पर भी हम आभावी मांग को संतुलित करने के लिए इसको तीन भागों में बांट देंगे तीन अलग अलग हथकंडे अपनाएंगे पहला मौद्रिक उपाय करेंगे या हम राजकोषीय उपाय करेंगे या अन्य बहुत सारे उपाय सोचेंगे कि क्या किए जा सकते हैं तो बात करें अगर हम मौद्रिक उपाय की तो जैसे कि हमने अत्यधिक मांग में देखा था कि ये ऐसे उपाय जो मौद्रिक उपाय हैं इनके अंतर्गत मुद्रा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको नियंत्रित करके फिर ये जो अभावी मांग की समस्या है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है तो इसमें सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं कि अत्यधिक मुद्रा का निर्गमन कारण में हमने देखा कि कई बहुत सारे ऐसे कारण रहे होंगे जिससे सरकार ने मुद्रा के निर्गमन में कमी ला दी तो उसके कारण अभावी मांग की समस्या उत्पन्न हुई तो यहाँ पर हम इसको ठीक करने के लिए एक काम ये कर सकते हैं कि मुद्रा का जो निर्गमन था उसको जितनी ज़रूरत हो जितना सही हो अर्थव्यवस्था को देखते हुए उतना बढ़ाया जाना चाहिए दूसरा एक काम यहाँ पर मुद्रा से संबंधित कह सकते हैं कि साख निर्माण में वृद्धि की जानी चाहिए ब्याज दर को बढ़ाकर जो लोगों को हतोत्साहित किया गया कि वो ब्याज पर ऋण ना ले इस कंडीशन को इस समस्या को दूर करते हुए जो साख निर्माण है उसमें वृद्धि करनी चाहिए ब्याज दर में कमी करनी चाहिए लोगों को ऋण आसानी से उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि एक तो वो उत्पादन का कार्य भी कर सकें और उनके हाथ में मुद्रा की क्रय शक्ति भी आ सके वैसे ही इन्हीं उपाय के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर चाहे तो जो केंद्रीय बैंक होती है वो दो उपाय दो तरह से उपाय अपना सकती है एक उपाय जिसे हम कह सकते हैं परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव मेज़र और दूसरा उपाय जिसे हम कह सकते हैं गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव मेज़र इन दोनों के द्वारा जो ये समस्या है अभावी मांग की उसको कुछ हद तक सीमित किया जा सकता है तो किस तरह से हम इसको सीमित करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव जो मेज़र है उसकी तो उसके अंतर्गत सबसे पहला काम किया जा सकता है कि बैंक दर में कमी लाई जाए जैसे कि हमने देखा कि ब्याज दर को बहुत बढ़ा दिया गया इसलिए लोग ब्याज बैंक से लोन लेना कम कर देते हैं तो अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं ब्याज ब्याज की दर में कमी करनी चाहिए दूसरा एक काम ये किया जा सकता है कि खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना अगर बैंक चाहे तो खुले बाजार की जो प्रतिभूतियां होती हैं उनको खरीद के मार्केट में पैसे को मुद्रा को लाया जा सकता है तो ये एक उपाय किया जा सकता है तीसरा एक काम ये किया जा सकता है कि अभावी मांग की दशा में जो केंद्रीय बैंक जो है उनको खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना चाहिए ताकि पैसा मार्केट में आ सके खुले बाजार में आ सके और साथ ही साथ इससे व्यापारिक बैंकों के जो नगद कोष होते हैं हमने व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक वाले चैप्टर में देखा था कि किस प्रकार से एक नियम एक परसेंटेज निर्धारित कर दिया जाता है कि जो अन्य जो व्यापारिक बैंक है उनका एक कोष जो नगद कोष है उसके अतिरिक्त एक कोष केंद्रीय बैंक के पास रहेगा तो उसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है यानी कि व्यापारिक जो बैंक है उनके पास नगद कोष की राशि जो है वो बढ़ाई जाए ताकि वो आसानी से ऋण दे सके व्यापारिक बैंक जो है वो जनता को तो ये कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्मित की जा सकती है जिससे जनता के हाथ में मुद्रा की क्रय शक्ति बनी रह सकती है या बढ़ सकती है इसी तरह एक काम ये भी किया सकता है कि रिजर्व बैंक का जो अनुपात है जैसे कि हमने देखा कि कुछ नगद कोष का रहता है और कुछ वहाँ पर सं अनुपात रहता है तो रिजर्व बैंक के पास जो जमा राशि का अनुपात होता है व्यापारिक बैंकों का उसमें कमी की जा सकती है अब दूसरा अगर इसके अंतर्गत हम उपाय देखते हैं तो वो होता है गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव इसमें सबसे पहला काम एक ये किया जा सकता है कि उपभोक्ता साख को प्रोत्साहित किया जा सकता है उपभोक्ताओं को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है लेकिन ये तो तभी हो सकता है जब जो उपभोक्ता वर्ग हैं उनको उनके हिसाब से उनके फेवर में ऋण दिया जाए यानी कि जितनी उनको ज़रूरत है और जिस ब्याज दर पर उनको सुटेबल है कम से कम उतने ब्याज दर पर उनको ऋण मिल मिले दिया जाए ताकि वो आसानी से ऋण ले सकें तो एक तो उनको ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए दूसरा काम ये कर सकते हैं कि ऐसा करने के लिए ताकि वो ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित हो सकते जो सीमांत कटौती की जो दर होती है उसमें एक तो कमी की जा सकती है उनकी जो किस्तें होती हैं वो कम कर सकते हैं लोन या ऋण चुकाने का जो पीरियड होता है जो समय होता है उसको बढ़ा सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं जिनको लगा जो बैंक है वो लोगों को ऋण लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं एक कार्य और किया जा सकता है जिसे हम कह सकते हैं कि एक नैतिक अपील की जानी चाहिए जनता से कि अर्थव्यवस्था की ये जो समस्या है अभावी मांग इससे निपटने में वो अपना सहयोग दें यानी कि वो अपनी आ, जो आय है उसको थोड़ा बहुत यानी बचत विनियोग से हटाकर कम से कम मार्केट में उसको लाने उस मुद्रा को जो उसकी क्रय शक्ति है उसको मार्केट में लाने का प्रयास करें तो एक नैतिक अपील के रूप में ये बात सामने रखी जा सकती है बैंकों से एक अपील की जा सकती है कि वो किसी भी तरह से जो साधारण जो ब्याज दर है उस पर और साधारण जो नीतियां हैं यानी आसान जो नियम कानून है उस पर वो लोगों को ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करें ताकि इस ऋण के माध्यम से वो उनकी क्रय शक्ति बढ़ सके और मार्केट में जो अभावी मांग की समस्या उत्पन्न हुई है उसको कम किया जा सके तो ये तो हमने बात की मौद्रिक उपायों की जिसमें हमने परिमाणात्मक गुणात्मक उपाय को भी देखा दूसरा जो बिंदु हम इसमें देखते हैं दूसरा मैटर वो है राजकोषीय उपाय जिसमें हमने देखा था कि राजकोषीय उपाय के द्वारा राजकोष यानी कि सरकारी जो खजाना है उसका कैसे एक नियंत्रित यूज़ किया जाए कैसे उसको उपयोग किया जाए इसका निर्धारण किया जाए उसको थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए और उसके यूज़ के आधार पर उसके व्यय के आधार पर ये प्रयास किया जाए कि अभावी मांग की जो समस्या है उसको नियंत्रित कर सकें तो एक तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि घाटे का बजट बनाकर एक्चुअली जो घाटे का बजट होता है वहां पर जनता को लाभ होता है सरकार को हानि होती है हम कह सकते हैं कि सरकारी व्यय में वृद्धि होती है तो जब सरकार घाटे का बजट बनाती है तो वो जनता के लिए काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पर जनता की जो सुख सुविधाएं हैं चाहे वो शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन या किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो उसमें वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है और ऐसी कंडीशन बनती है कि लोगों को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा इन सब सुख सुविधाओं पर खर्च नहीं करना पड़ता बल्कि सरकार इन व्ययों को करती है और ऐसी स्थिति में सरकार ये मानती है कि घाटे का बजट हमने तैयार किया है तो अगर आभावी मांग की समस्या को हल करना है तो कहीं ना कहीं घाटे का बजट तैयार करना होगा दूसरी एक बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि जब घाटे का बजट बनता है तो यहाँ पर जो समस्या उत्पन्न होती है उसको हल करने के लिए मुद्रा का निर्गमन यानी अतिरिक्त मुद्रा का निर्गमन करना पड़ता है जैसे कि हमने प्रारंभ में ही देखा कि अभावी मांग की समस्या को हल करने का एक महत्वपूर्ण उपाय आभावी मांग के लिए अत्यधिक मुद्रा का निर्गमन करना या अतिरिक्त मुद्रा का निर्गमन भी किया जा सकता है तो अगर घाटे का बजट बनता है तो फिर वो कंडीशन आएगी ही जहाँ पर अतिरिक्त मुद्रा का निर्गमन करना पड़ेगा और इससे जो जनता है जो लोग हैं उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो कुल मिलाकर घाटे का बजट काफ़ी लाभकारी होगा आभावी मांग को नियंत्रित करने में दूसरा एक उपाय यहाँ पर क्या सकता है कि अधिक मुद्रा के निर्गमन से लोगों की जो है वो क्रय शक्ति बढ़ती है अगर अतिरिक्त मुद्रा का निर्गमन कर दिया जाए तो लोगों की एक तो क्रय शक्ति बढ़ती है और क्रय शक्ति बढ़ने का मतलब क्या है कि देश में जो वस्तु हैं उनकी मांग बढ़ेगी मांग बढ़ेगी यानी कि अभावी मांग की जो समस्या है वो कम होगी और इसी तरह हम देखते हैं कि सार्वजनिक जो व्यय है उनमें अगर सरकार वृद्धि करे तो भी आभावी मांग की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभावी मांग की दशा में सरकार जो है वो एक तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है तो लोगों को जहाँ पर जिन जिन क्षेत्रों में खर्च करना होता है वो उनको नहीं करना पड़ता उतनी धनराशि उनके पास बच जाती है दूसरी एक बात हम करें कि कहाँ पर वह करें तो स्वास्थ्य चिकित्सा सड़क रेल नहरों का निर्माण बांध का निर्माण इस तरह के जो निर्माण है वहाँ पर वह कर सकती है दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पर तो सरकार द्वारा जो नियंत्रित निजी क्षेत्र हैं सरकार के अंडर में जो हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि अगर वो क्षेत्र अगर उनको अगर सरकार प्रोत्साहित करती वहाँ पर प्रोडक्शन होता है वो अगर स्थापित हो जाते हैं मार्केट में तो लोगों को रोज़गार मिलेगा रोजगार मिलेगा तो उनके हाथ में क्रय शक्ति आएगी क्रय शक्ति आएगी तो अभावी मांग की समस्या आ, को नियंत्रित किया जा सकता है ठीक इसी प्रकार एक काम ये किया जा सकता है कि कर में कमी करके घरेलू जो सार्वजनिक यहाँ पर मांग हम जिसे कह सकते हैं सार्वजनिक ऋण जो कह सकते हैं उसकी वापसी हो सकती है जैसे कि हमने देखा कि आय का एक बड़ा हिस्सा तो अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में चला जाता है एक हिस्सा कर में चला जाता है तो बहुत थोड़ी ही ऐसी धनराशि बचती है जिससे ये सोचा जाए कि इसका विनियोग किया जाए बचत किया जाए कि कहीं ना कहीं मार्केट में उसको खर्च किया जाए यानी कि मांग उत्पन्न की जाए तो करों में अगर टैक्स रेट में अगर कमी की जाती है तो हो सकता है कि वो जो कमी से जो सरप्लस बचता है जो धनराशि बचती है उसका प्रयोग वो बाज़ार में मांग उत्पन्न करने के लिए किया जाए तो करों की दर में कमी करके भी काफ़ी हद तक जो अभावी मांग की समस्या है उसको नियंत्रित किया जा सकता है कर की अगर हम बात करें या हम क्रय शक्ति की बात करें जनता के हाथों की क्रय शक्ति तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है पहले की कक्षाओं में भी हम पढ़ चक, पढ़ चुके हैं कि अप्रत्यक्ष कर जो होता है एक ऐसा कर होता है कि हमसे ले भी लिया जाता है और हमको पता भी नहीं चलता जो वस्तुएं हम खरीदते हैं जो सामान हम खरीदते हैं उसमें हम टैक्स देते दे रहे होते हैं हमको हाँ लगता है कि वो वस्तु का मूल्य हमने केवल दिया है लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं अप्रत्यक्ष कर हम कहते हैं वो उसमें इंक्लूड रहता है और कहीं ना कहीं इस अप्रत्यक्ष कर का एक बहुत बड़ा रोल उस वस्तु के सम का जो मूल्य होता है उसकी जो कीमत होती है उसको बढ़ाने में होता है क्योंकि वस्तु की लागत में जैसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं वैसे साथ साथ टैक्स को भी ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद उसके मूल्य का निर्धारण किया जाता है तो अगर इस अप्रत्यक्ष कर की राशि को कम किया जाए तो वस्तु का मूल्य भी कम हो जाएगा और वस्तु का मूल्य अगर कम हो जाता है तो हो सकता है कि मांग उसकी बढ़ जाए और अभावी मांग की समस्या से निजात पाया जा सके ठीक इसी तरह ऐसे कई अन्य उपाय हो सकते हैं आइए उन पर एक नज़र डालें तो आयात में हम कमी कर सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास जो प्रोडक्शन है हमारे पास जो उत्पादन हो रहा है उसको ही हम बेच नहीं पा रहे हैं मांग उसकी बन नहीं पा रही है तो बाहर से आयात करके अभावी मांग की समस्या को और बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है तो हम ऐसी स्थिति में आयात को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं दूसरा इसका अपोजिट हम कर सकते हैं कि निर्यात में हम वृद्धि कर दें हमारे देश में अगर नहीं बिक पा रहा है वो अभावी मांग की समस्या के कारण प्रोडक्शन लेकिन फिर भी जारी है अभावी मांग की समस्या बनी हुई है तो एक काम हम कर सकते हैं कि निर्यात का जो परसेंटेज था उसको हम बढ़ा दें ताकि बाहर हम उस माल को बेच सकें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नीति एक आती है जिसे हम कहते हैं मजदूर की नीति यानी मजदूरी प्राप्त होने की उसकी जो नीतियाँ हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए उसके बेस पे कैसे अभावी मांग की समस्या से निजात पाया जाए तो दो चीज़ें हो सकती है या तो स्थिर रखा जाए मजदूरी को या उसमें कुछ फ्लैक्चुएशन किया जाए फ्लैक्चुएशन दोनों तरह से हो सकता है कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए स्थिर अगर रखा जाएगा तब तो किसी प्रकार के फ्लैक्चुएशन की संभावना ही नहीं बनती कम अगर किया जाए तो क्या होगा पहले से उसको जो मजदूरी मिल रही है उससे वो बाज़ार में मांग कर नहीं पा रहा है वस्तु की वस्तु को ख़रीद नहीं पा रहा है अब उसकी मजदूरी को हम और और कम कर देते हैं कई बार करना पड़ता है क्योंकि उत्पादन होता नहीं है मज़दूरों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है तो हमने पहले भी देखा कि मजदूरी को कम करना पड़ता है तो मजदूरी को अगर कम कर दे तो उनके हाथ में जो क्रय शक्ति है वो तो और कम हो जाएगी तो आभावी मांग की समस्या तो जस की तस बनी रहेगी या हो सकता है कि और बढ़ जाए वो समस्या दूसरा पहलू अगर मजदूरी बढ़ा दी जाए अगर मजदूरी बढ़ाएंगे तो ये तो वही सारे प्रतिफल होते हैं जिनको जिनकी लागतें जो होती है वो जुड़कर किसी वस्तु की लागत को निर्धारित करते हैं और फिर हम उसका उसकी प्राइस निश्चित करते हैं उसकी कीमत निश्चित करते हैं तो अगर हम मज़दूरी बढ़ाते हैं तो वस्तु की कीमत भी बढ़ानी होगी ऐसी कंडीशन में एक तो पहले से ही अभावी मांग की समस्या बनी हुई है बाजार में माल बिक नहीं रहा है अब हम उसका माल उसकी वस्तु की कीमत और बढ़ा दें तो फिर से अभावी मांग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी या हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि स्थिर रखा जाए न मजदूरी बढ़ाई जाए न मजदूरी घटाई जाए तो स्थिर रखकर भी अभावी मांग की समस्या से कहीं ना कहीं निजात पाया जा सकता है आ, इसी तरह समर्थन मूल्य नीति भी कहीं हद तक सपोर्ट कर सकती है अभावी मांग की समस्या से निपटने के लिए आ, सरकार को एक आ, समर्थन मूल्य नीति निर्धारित करनी चाहिए कम से कम उन वस्तुओं के लिए तो जरूर करनी चाहिए जो आवश्यक आवश्यकताओं की वस्तु होती है उनके अः जो है उनका अभाव ना हो इसलिए उन वस्तुओं के लिए एक समर्थन मूल्य जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था सरकार द्वारा निर्धारित किया गया जो न्यूनतम मूल्य होता है तो इस तरह की वस्तुओं पर सरकार को जरूर निर्धारित करना चाहिए अत्यधिक मांग तथा अभावी मांग में अंतर अत्यधिक मांग अत्यधिक मांग समग्र मांग का वह स्तर है जो पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक समग्र मांग के स्तर से अधिक होता है जबकि अभावी मांग समग्र मांग का वह स्तर है जो पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक समग्र मांग से कम होती है अत्यधिक मांग पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से अधिक होता है जबकि अभावी मांग के स्थिति में समग्र मांग पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक पूर्ति से कम होती है तीसरा अत्यधिक मांग के कारण स्थितिक अंतराल उत्पन्न होता है जबकि अभावी मांग के कारण अविस्फित अंतराल की स्थिति उत्पन्न होती है चौथा अत्यधिक मांग की स्थिति में चूंकि अर्थव्यवस्था में पहले से ही पूर्ण रोजगार की अवस्था रहती है इसलिए उत्पादन तथा रोजगार में कोई परिवर्तन नहीं होता केवल कीमतें बढ़ने लगती हैं। जबकि अभावी मांग के स्थिति में रोजगार उत्पादन तथा कीमतों में कमी आती है अत्यधिक मांग अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि न होने के कारण उत्पन्न होती है जबकि अभावी मांग पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल मांग कुल पूर्ति से कम हो जाने पर होती है अर्थात जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर बनाए रखने के लिए जितना वह आवश्यक होता है उतना नहीं होता तो अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न होती है अत्यधिक मांग मुद्रास्फीति की स्थिति को उत्पन्न करती है जबकि आभावी मांग अवस्फीति अंतराल की स्थिति को उत्पन्न करती है राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नीति में अंतर राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक आय व एवं ऋण अर्थात सरकार के बजट से होता है जबकि मौद्रिक नीति का संबंध मुद्रा की पूर्ति साख की उपलब्धता एवं लागत से होता है दूसरा राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार का वित्त मंत्रालय करता है जबकि मौद्रिक नीति का निर्धारण देश का केंद्रीय बैंक करता है तीसरा राजकोषीय नीति के मुख्य संगठक पहला कर सार्वजनिक घाटे की वित्त व्यवस्था से प्राप्त धन और दूसरा सार्वजनिक निर्माण कल्याण सुरक्षा अनुदान पर किया गया वह है जबकि मौद्रिक नीति के संगठक है बैंक दर खुले ऋण बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय नगद कोष अनुपात में परिवर्तन तरलता अनुपात में परिवर्तन ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन आदि अभावी मांग के संबंध में हमने काफ़ी कुछ जाना अब अगर हम इसकी एक अन्य अवधारणा यानी कि अल्पकालीन अवधारणाओं पर एक नज़र डालें तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कहा गया है अल्पकालीन अवधारणा के जो प्रस्तुतकर्ता है, वो प्रोफेसर केंज हैं आइए देखते हैं प्रोफेसर केंज ने अल्पकालीन अवधारणा के संबंध में अपने क्या मत व्यक्त किए हैं प्रोफेसर केन्ज का मानना है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अल्पकालीन अवधारणा एक ऐसी समयावधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर का निर्धारण केवल और केवल रोजगार के स्तर से किया जाता है पिछले कई टॉपिक्स में हमने देखा कि उत्पादन का स्तर जो है वो उत्पादन के साधनों के आधार पर निर्धारित किया जाता है उत्पादन के जो पांच साधन होते हैं भूमि श्रम पूंजी संगठन साहस उनके आधार पर निर्धारित किया जाता है लेकिन अगर हम अल्पकालीन अवधारणाओं की बात करें तो यहाँ पर समय इतना कम होता है कि उत्पत्ति के इन पाँच साधनों में व्यापक परिवर्तन नहीं किया जाता तो इन्होंने ये मान लिया है कि रोजगार के स्तर के आधार पर हम इस अवधारणा को व्यक्त कर सकते हैं यानी दूसरे तरीके से कहा जाए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रोजगार का अगर स्तर ऊंचा है तो ये मान लिया जाना चाहिए कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है यानी उत्पादन का स्तर भी ऊंचा है या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम केंस की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए यह भी कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर उत्पादन के स्तर के आधार पर मापा जा सकता है यहां हम देखते हैं कि आ, केन्स की परिभाषा के आधार पर जो अर्थशास्त्र में अगर हम जीडीपी के बारे में बात करें जीडीपी संतुलन की बात करें तो यहाँ जीडीपी संतुलन का अभिप्राय ही वास्तव में रोजगार के संतुलन से होता है यानी रोजगार का स्तर अगर संतुलित है तो जीडीपी का स्तर भी संतुलित माना जा सकता है दूसरा हम यहाँ पर ये यह कह सकते हैं कि संतुलन उत्पादन इसमें क्या भूमिका निभाता है क्या है संतुलन उत्पादन तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संतुलन उत्पादन से अभिप्राय संतुलन आय और संतुलन रोजगार से है कुल मिलाकर यही बात कही जा रही है कि जीडीपी के संतुलन स्तर से है इसको अगर हम एक फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जीडीपी तब संतुलन की स्थिति में होगी जब वास्तविक स्टॉक जो है वो आवश्यक स्टॉक के बराबर हो यानी कुल पूर्ति जो है जितनी पूर्ति की आवश्यकता थी उसके बराबर हो ना अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न हो ना अत्यधिक मांग की स्थिति उत्पन्न हो लेकिन अगर ऐसी दशा निर्मित होती है कि वास्तविक स्टॉक ज़्यादा हो जाए और आवश्यक स्टॉक जो है वो कम हो जाए तो ये एक ऐसी कंडीशन एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर देती है जबकि अनावश्यक ही उत्पादन हो गया है उतनी मांग है नहीं मार्केट में और ये ऐसी परिस्थिति है जब जाहिर सी बात है कि उत्पादक को तो भारी नुकसान होना ही है प्रोडक्शन तो हुआ है जो फाइव फैक्टर है उत्पादन के उसमें उसने पैसा लगाया है उत्पादन किया है लेकिन मांग अगर नहीं है बिक नहीं रहा है माल सीधे शब्दों में तो उत्पादक को हानि होती है इस परिस्थिति में तो आभावी मांग के संबंध में हमने काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की आइए कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर हम आभावी मांग की इस पूरी जो स्थिति है किस तरह से किन कारणों से उत्पन्न होती है क्या प्रभाव होते हैं उनको संक्षिप्त में और अच्छे से समझने की कोशिश करें परीक्षा के आधार पर जो हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको हम फिर से जाने यदि कुल मांग का कुल पूर्ति के साथ राष्ट्रीय आय के उस बिंदु पर संतुलन होता है जहां सभी साधनों को रोजगार प्राप्त हो जाता है तो इसे पूर्ण रोजगार के आय स्तर पर संतुलन कहा जाता है कुल मांग का वह स्तर जो पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक मांग से अधिक होता है अत्यधिक मांग की स्थिति को प्रकट करता है और इसके ठीक विपरीत की स्थिति आभावी मांग को प्रकट करती है किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी पूर्ति की आवश्यकता होती है यदि कुल मांग उससे अधिक हो तो इसके अंतर को स्फिति अंतराल कहा जाता है आभावी मांग वह स्थिति है जिसमें कुल एडी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक कुल पूर्ति एस से कम होती है किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी कुल पूर्ति की आवश्यकता होती है यदि कुल मांग उससे कम हो तो इन दोनों के अंतर को अवस्फिति अंतराल कहा जाता है कुछ बिंदु ऐसे हैं जो अभावी मांग का कारण बनते हैं जैसे कि सरकार या बैंकों के द्वारा कुल मुद्रा पूर्ति में कमी या सार्वजनिक व्यय में कमी अथवा बचत प्रवृत्ति के फलस्वरूप उपभोग मांग में कमी करों में वृद्धि बैंक दर में वृद्धि के कारण विनियोग में कमी या निर्यात में कमी आभावी मांग का बाज़ार में प्रभाव यह पड़ता है कि इससे बाजार में वस्तुओं की कीमतें कम होने लगती हैं और इसके फलस्वरूप रोजगार में भी कमी होती है साथ ही साथ उत्पादन में भी कमी आती है मौद्रिक उपाय मुद्रा निर्गमन साख निर्माण परिमाणात्मक उपाय गुणात्मक उपाय और राजकोषीय उपाय के द्वारा आभावी मांग की परिस्थितियों को नियंत्रण में लाया जा सकता है तो आपने देखा कि आभावी मांग वास्तव में किसी भी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है हालांकि किन्स ने केवल रोजगार स्तर इस से इसको कंपेयर किया लेकिन कहीं ना कहीं पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में चाहे हम मांग और पूर्ति की बात करें या उत्पादन स्तर की बात करें या रोजगार स्तर की बात करें सभी को वो किस तरह से प्रभावित करता है इसके बारे में हमने इस पूरे अध्याय में जाना हमने देखा कि आभावी मांग किस प्रकार उत्पन्न होती है क्या इसके कारण हैं बहुत सारे कारणों पर हमने बात की प्रभाव क्या होता है और हमने ये भी जाना कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं किस तरह आ, से हम अभावी मांग के कारण जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उसको हम आ, उस परिस्थिति से हम निपट सकते हैं